कांस फिल्म फेस्टिवल में जाकर कियारा आडवाणी ट्रोल हो रही है। एक इवेंट के बाद वो वहां मीडिया से बात कर रही थी। इस दौरान कियारा का इंग्लिश एसेंट सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग सत्य प्रेम की कथा एक्ट्रेस के एसेंट को फेक बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर राजकुमार राव की श्रीकांत का कलेक्शन 10वें दिन 4 करोड़ रहा है। ये कलेक्शन 300 करोड़ के बजट वाली बड़े मियां छोटे मियां और 100 करोड़ के बजट वाली फिल्म मैदान से ज्यादा है। संजय लीला भंसाली ने ईशा अल्लाह और साहिल लुधियानवी की बायोपिक पर बयान जारी कर दिया है। संजय लीला भंसाली ने कहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पर किसी भी पल फैसला ले लेते हैं, जब तक उन्हें अंदर से महसूस नहीं होता तब तक वो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करते हैं। मुंबई में आज लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसमें शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी तक कई बॉलीवुड सितारों ने फैंस से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की है। सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से वोट डालने की अपील की है। कांस में इस बार कई एक्ट्रेसेस ने डेब्यू किया है। इनके अलावा इस लिस्ट में एक नाम है यूपी की नैंसी त्यागी का, जो इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। जहां एक तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेसेस बड़े बड़े डिजाइनर्स के लाखों करोड़ों की ड्रेस पहनकर जलवा बिखेर रही हैं, नैंसी ने खुद ही अपना पूरा आउटफिट तैयार किया। नैंसी त्यागी ने कांस के रेड कार्पेट डेब्यू के लिए अपना गाउन खुद डिजाइन कर इतिहास रच दिया है।